हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मान्यता ब्लॉग। और आज पब्लिक हॉलीडे ऑस्ट्रेलिया में, और मेरे को पहले पता होता मैं थोड़ा आराम से उठता, मुझे पता ही नहीं था। एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम लाइक 3:30, फिर मुझे थोड़ा सा भी पहले पता होना तो होता तो 5:30 बजे के आसपास उठता आराम से चिल करते हो। बट एनी वेज ठीक है, स्टिल वर्किंग इन क्वींसलैंड, पीपल आर वर्किंग देयर। बाकी साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और बाकी जगह इट्स क्लोज। अपने इंडिया में भी पब्लिक हॉलीडेज इतना क्यों नहीं होते यार? इवन पब्लिक हॉलीडेज हमारे यहाँ बस कुछ लिमिटेड ही होते हैं, आज खूब ज़्यादा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ट्रस्ट मी, मतलब हर एक महीने, डेढ़ महीने, दो महीने में तो पब्लिक हॉलीडेज आते ही हैं। यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट, अपने इंडिया में अगर संडे को फॉर एग्जांपल दिवाली है, राइट, तो दिवाली की छुट्टी गई, मंडे को यू नीड टू गेट बैक टू वर्क। बट देयर इन ऑस्ट्रेलिया व्हाट हैपेंस इज, अगर आपका कोई फेस्टिवल, इफ इट इज़ देयर लाइक सैटरडे एंड संडे, इट इज़ फिक्स्ड ऑफ फॉर ऑस्ट्रेलिया, you get a comp off for the next day, next working day. चाहे पानी डालूं बट अभी तो पूरा गीला हो रखा है। पार्क ऑलमोस्ट रेडी है बट थोड़ा सा ये वाला कंस्ट्रक्शन एरिया बाकी है। गाड़ी के नीचे कैसे बैठे हमारे, मैं जब ऑस्ट्रेलिया निकलती तो भोंकते रहते हैं। इसमें पानी चेक करना है मेरे को। चलो ऑस्टी आओ, चलो ए भाग रही, देखो रुको, चल चल, अरे 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 ऑस्टी रुक, भागती रहती है। इतना हफू डफू क्यों करती हो अस्टी? जो कितना हाफ, गर्मी हो रही है ना, बाहर मत जाओ, गर्मी हो रही है, बाहर नहीं जाना है, ठीक है? घर में बैठना है, बहुत गर्मी हो रही है, धूप धूप है, ठीक है? घर में बैठना है, एसी में बैठो, आराम से चिल करो, खाना खाओ, बढ़िया से घूमो, ठीक है? ओके, है ना अस्टी? ठीक है अस्टी, तो सुविधाएँ हैं, लिफ्ट ठीक है, एक्सेलेटर रुका हुआ है। इस वाले में, ये वाले में, थर्ड में, अभी यहीं रखिए, रुकना चाहिए, इतनी भीड़ हो रखी है, मूवी इतनी बड़ी है, पूरा बंद हो रखा है। कितनी बड़ी लग रही है ना मेरी कार, वैसे है बड़ी बाय द वे। 5 मिनट के अंदर मूवी है, उसी में खाना भी है, पकाना मत है ना, टाइम मिल गया तो खा लेंगे। सुबह मूवी देखने का भी मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और मैं घर से 9:15 पे निकला हूँ, 9:20 पे पहुँच गया हूँ। 4-5 मिनट में ले लेगी छोले भटूरे खाने के लिए, कहाँ पर है, किस पे है, किस पे है, PVR 5 पे। सो 5 मिनट ले लिए मैंने छोले भटूरे खाने के लिए, उसी में जल्दी जल्दी कैसे तैसे खाया, और अभी देखने आया हूँ जुरासिक पार्क। रीजन बीइंग देखने का ये है क्योंकि ये लास्ट सीरीज है जुरासिक पार्क का, जो कि मैं अपने 90s से देखते आ रहे हैं, दैट्स द रीजन आई रियली वांटेड टू सी दिस मूवी। Already gone. Every responsible scientist in the world is clearly saying by 2045 we will be producing 40% less. The safe soil movement to activate support in. विश्वास कर सकता है कि इस मूवी को कितना साल हो गया? सिख पाक बहुत याद है, सिर्फ एक मूवी नहीं है, इमोशन है, इतने साल है। जैसे कि बताया, ये जुरासिक पार्क का लास्ट सीरीज है, और अब पता नहीं कब बनने वाला, नहीं बनने वाला है। सो मेरे को ये देखना तो बनता ही था। तुम सोच रहे हो कब से हम लोग इसका हिस्सा है? 1993 में फर्स्ट जुरासिक मूवी आई थी, और मतलब हम लोग के टाइम पे आई है पहली, उस समय की जो मतलब इस टाइप की मूवी बहुत ही अच्छी, उस समय के भी ग्राफिक्स एक नंबर थे, मतलब आज भी तुम देखना चाहोगे तुम देखोगे बहुत अच्छे। मुझे इसमें सबसे अच्छी एक्टिंग लगी वो सैम लॉरा की लगी, एक शार्क और एक मॉली, सॉरी एक शार्क और एक गोल्ड फिश अकेले हो गए थे, आई जस्ट थॉट कि वो भी ले लेते हैं। कौन है यहाँ पर, लाइट जला गया, पानी कम हो गया क्या, आज डालता हूँ। शार्क जिंदगी में हाथ में पहली बार पकड़ रहा हूँ मैं। जाओ बेटा ऐश करो, नई लाइफ। तो बेसिकली अब एक
ये गोल्ड फिश और एक ये गोल्ड फिश अब पेयर हो जाएंगे, एक मेल और एक फीमेल है। क्या हो गया इसको? एक्टिव हो गई। मैं तो क्या हो गया, तो पलट गई मछली। कहाँ जाऊँ? हाँ देख क्या काला काला है, पक गया ना वो। क्या बात है, दे दो अगर देना तो। ऑफर किया मेरे को खाने के लिए, एक देख के पैर में लगे ना, एक 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 बस। अरे वाह,